मेरा नाम तारिक है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। कब मैं घर से निकलता हूँ तब लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं। बाजार में कहीं जाऊँ मैं घूमने के लिए, बोलते भाई क्या बड्डे बड्डे हाथने वाला आ गया। सब लोग मेरे से डरते हैं। तब से मैं पैदा हुआ था तब छोटे छोटे थे, इतना बढ़ूंगा इतना जेब बढ़ेगा। जेब सबसे बड़ा होने लग गया तब मेरे को बहुत दिक्कत आने लगी, नहाने में भी दिक्कत आने लगी, कपड़ा धोने में। मेरा भाई सब काम ही करता है, कपड़ा वपड़ा सभी धोता है। थोड़ा दूर चलता हूँ मैं तो हाथों में दर्द होने लग जाता है। कहीं घाम में घूमते हैं, कहीं परेशानी होता है, दर्द होता है, कभी जहाँ बाजू में कभी हाथों में ऊँटों में। तब से मेरे को बहुत ही दिक्कत आती है, कपड़े पहनने में, नहाने में, रोटी खाने में, सबसे दिक्कत आती है। सब लोग बोलते हैं इलाज कराओ अपना, इतने पैसे नहीं है हम पे। हम कहते थे, सब लोग कहते थे पैसे नहीं है तो कहीं डॉक्टर के पास जाओ पड़े। हम कहते थे पापा है नहीं, हम पे कहाँ से कराना है इलाज। हमने ऐसा मरीज पहले नहीं देखा, टुडे फर्स्ट टाइम ही ऐसा आए हैं। यूजली पहले जब आते हैं एक दो देखे भी हैं तो वो एलिफेंट फुट वाली डिजीज़ होती है, उस टाइप की लग रही है। अदरवाइज़ ये इसकी डिजीज़ को जानना इंस्टीट्यूशन लेवल का काम है, जो बड़े डॉक्टर हैं जहाँ रिसर्च है वो इसकी एग्जैक्टली बता पाएंगे, क्योरेबल है नहीं है, इसका इलाज हो सकता है नहीं हो सकता है। हमारे बस से तो है ही नहीं, हमारे रूटीन में ऐसे पेशेंट नहीं है, हमारी जो यूजली प्रैक्टिस है उसमें ऐसे मरीज नहीं आते। अगर आया भी कोई आते भी हैं इस टाइप के, हम ऑलवेज रेफरी करते हैं। इलाज हो जाएगा फिर तो मैं बहुत सब कुछ कर लूँगा, काम कर लूँगा, खाना खाने के अपने लिए, पेट पालने के लिए कमा लेंगे, सब अपने परिवार के लिए। मम्मी है, मम्मी बूढ़ी है, मम्मी क्या कर लेगी काम।